नमस्कार बंधुओं, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन प्रतिदिन महालक्ष्मी की कृपा से आपको सुख और समृद्धि प्राप्त हो, ऐसी हमारी कामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना है। आज हम तुला राशि के जो जातक हैं उनको आगामी 20 नवंबर से गुरु का जो मकर राशि में गोचर हो रहा है उसका फल कथन करते हैं। और जैसे कि मेष राशि के फल कहते समय जो वीडियो बनाया था उसमें आपकी जन्म कुंडली के अनुसार गुरु का अष्टक वर्ग आप स्वयं देख लें, और यदि आपको समझ नहीं आता है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ और समय के अनुसार हमें मैसेज करके अपना अष्टक वर्ग ज्ञात कर सकते हैं कि आपके गुरु के अष्टक वर्ग में गुरु को मकर राशि में कितने अंक मिले हैं। अष्टक वर्ग में गुरु ये लिखा है, गुरु के नीचे और मकर राशि के सामने जो अंक है वो आपके राशि के अनुसार और जन्म कुंडली के अनुसार 0 है या 1 है, इस बात पे ये जो फलादेश है वो पूरी तरह निर्भर करेगा। यदि 0 अंक है तो गुरु का फल आपको प्राप्त नहीं होगा, जो अभी हम आगे बताएंगे। और यदि 1 अंक है तो गुरु के जितने भी शुभ फल हम बताएंगे अभी वो सभी प्राप्त होंगे। इस प्रकार से चूँकि राशि 12 हैं और पूरा संसार है, लेकिन यदि इस राशिफल में आपकी जन्म कुंडली के गुरु का अष्टक वर्ग जोड़ लेंगे तो यह राशिफल पर्टिकुलर आपके लिए हो जाएगा। इस बारे में विस्तृत विवरण मेष राशि के फल में लिखा हुआ है। अब सबसे पहले तुला राशि की बात करते हैं। तो तुला राशि के लिए गुरु चौथे घर में है, मकर राशि में तुला राशि के लिए गुरु चतुर्थ घर में है। चतुर्थ घर में कोई भी ग्रह शुभ नहीं कहा गया है, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है, बल्कि कुछ मिश्रित फल प्राप्त होता है। कुछ अशुभ फल प्राप्त होते हैं तो कुछ शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर जो गुरु हैं वो चतुर्थ भाव में बैठ करके, चूँकि तृतीयेश और षष्ठेश हैं, ये षष्ठ भाव है, षष्ठ मतलब छठवां भाव है, ये लग्न है, ये प्रथम भाव कहलाता है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव। तो यहाँ पर गुरु तृतीय भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव के स्वामी हैं। इसके कारण से चतुर्थ भाव में गुरु का जो फल है वो उसमें कुछ कमी आएगी। हालांकि गुरु गुरु होते हैं, कोई भी गुरु नाराज भी हो जाए तो भी वो अनिष्ट नहीं करता है, लेकिन उन गुरु का सहयोग प्राप्त नहीं होता है जो हमें आवश्यक होता है, बस केवल यही अंतर है। तो अशुभ फल कुछ नहीं करेंगे, बल्कि कुछ बिंदुओं को लेकर के ये सहयोग नहीं करेंगे और कुछ बिंदुओं में ये अत्यंत सहयोग करेंगे, जिसका हम वर्णन आगे अभी देखते हैं। तो गुरु जो है यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठ करके, सबसे पहले तृतीय भाव की बात करते हैं। तो तृतीय भाव में के स्वामी होने के कारण से गुरु आपके साहस को बढ़ाकर रखेंगे, साहस में कमी नहीं आने देंगे, यानी आपके नेगेटिव थिंकिंग नहीं आ पाएगी। यदि आती भी है तो गुरु की कृपा से वो दूर होगी, और कभी ऐसा होता भी है तो उस समय यथासंभव आप पीले वस्त्र पहने या पीला दान करें। पीले दान में कई प्रकार के पदार्थ हैं जो पीले होते हैं, वो जो है जैसे चने की दाल है, ऐसे छोटे छोटे पदार्थ हैं तो पीले, हल्दी है, इनको मंदिर में दान कर देंगे तो उस समय आपका मनोबल ऊंचा बना रहेगा। अब छठवें घर है, छठवें घर के स्वामी हैं, तो छठवें घर के स्वामी चूँकि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि चतुर्थ भाव का गोचर अच्छा नहीं होता, तो इस स्थिति में आपको यदि कोई मकान या किसी प्रकार का लोन की आवश्यकता है तो लोन में अड़चने आएंगी। और इस समय जो आपके शत्रु हैं वो जो है आपका मुकाबला करने का प्रयास करेंगे, इसलिए उस समय यथासंभव शांत रहने की आवश्यकता है, नो रिएक्शन।
कोई भी शत्रु कुछ कहता है तो आपको उसको रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि उसी रिएक्शन से वो आगामी कदम उठाएगा। इसलिए ये जो 6 महीने की अवधि है 20 नवंबर 2020 से लेकर के और 5 अप्रैल 2021 तक, ये जो 6 महीने की अवधि है, इस अवधि में आपको शांत रहना है, यथासंभव वाद विवाद से बचना है। अब सुफल बताते हैं, क्योंकि सुफल भी बहुत ज़्यादा है इनके। सबसे पहले गुरु की जो प्रथम दृष्टि सप्तम दृष्टि दशम भाव पर है, तो आपका जो कार्य क्षेत्र है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, इन दोनों नौकरियों में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं रहेगा। आपको अपने बॉस से प्रशंसा मिलेगी। इसके अलावा यदि आप अपने अनुसार जॉब चयन करना चाहते हैं, पुराना जॉब ठीक नहीं लग रहा उसको छोड़ना चाहते हैं, तो ये जो रिस्क लेने का समय है वो आप इस समय ये रिस्क ले सकते हैं। आप अपने जॉब को परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी बेहतरी के लिए जो भी कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं उसका बेहतरी के लिए प्रदर्शन आप स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद जो गुरु महाराज हैं उनकी जो पंचम दृष्टि है वो छठे घर में है, छठवें घर में जो गुरु महाराज की दृष्टि है, तो ये कोई विशेष सुफल तो नहीं देगी, लेकिन इस समय आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, जिसमें कि अनएक्सपेक्टेड है। ऐसी स्थिति में धन लाभ हो सकता है, विदेश यात्रा का योग बन सकता है। लेकिन प्रिय मित्रों, साथ साथ में गुरु की दृष्टि व्यय भाव पर भी है, तो व्यय जो होगा, खर्च जो होगा, वो भी जो है आपको विदेश की दृष्टि से अधिक होने की संभावना है। इसलिए विदेश का योग भी बन रहा है, साथ साथ विदेश में ही व्यय होने का योग बन रहा है। इसलिए इस समय यथासंभव ये प्रयास करें कि विदेश जाएं तो काफ़ी सोच समझ के जाएं, और ये भी मान के चलें, पहले से पूरी तरह कैलकुलेशन कर लें कि हम जो विदेश यात्रा कर रहे हैं उस विदेश यात्रा का उद्देश्य क्या है। यदि एंजॉय करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो खर्च एंजॉय पर होता भी है पर्यटन की दृष्टि से। लेकिन यदि व्यवसाय की दृष्टि से जा रहे हैं विदेश में, तो थोड़ी सावधानी पूर्वक विचार कर लें कि हमारे लिए उस व्यवसाय में कितना नुकसान हो सकता है, यदि नुकसान हो सकता है तो उसको हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। ये संपूर्ण रूप से विचार करने के बाद ही व्यवसाय की दृष्टि से विदेश की यात्रा करें। अब चूंकि गुरु महाराज शनि महाराज के साथ युति में हैं, तो चूंकि शनि महाराज भी एक बिल्कुल पक्के रूढ़िवादी हैं, गुरु महाराज भी पक्के रूढ़िवादी हैं, शनि महाराज नियम के पक्के हैं, मजिस्ट्रेट हैं, जजमेंट करते हैं, तो दोनों ही जो हैं वो परंपरागत ग्रह हैं। तो जब परंपरागत ग्रह हैं तो हमें यथासंभव इस समय ये प्रयास करना चाहिए कि हम परंपराओं को ना तोड़ें, क्योंकि हम यदि परंपराओं को तोड़ेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसलिए जो भी कार्य हों, चाहे व्यवसाय हो, चाहे दैनिक जीवन के कार्य हों, अपनी परंपराओं को बनाए रखें, अपने जो वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, उनका राय मशवरा अवश्य लेते रहें, उनकी एक एक राय आपके लिए लाभदायक होगी इस स्थिति में। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, तुला राशि का हमने जो फल कहा है, अब ये कहते हैं कि जो 6 महीने की अवधि है, यानी कि 20 नवंबर 2020 से लेकर के और 5 अप्रैल 2021 तक का जो 6 महीने का समय है, इसमें आपको अच्छा फल किस समय विशेष रूप से प्राप्त होगा। वैसे तो 6 महीने में ही अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल प्राप्त होते रहेंगे, लेकिन सबसे अच्छा समय कौन सा होगा इसका वृत्तांत सुनते हैं। चूँकि गुरु महाराज हमारे सौरमंडल में मंत्री हैं और सौरमंडल के राजा गुरु हैं, क्षमा करें, सौरमंडल के राजा सूर्य हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सूर्य राजा आदेश करेंगे, मंत्री उनका पालन निश्चित रूप से करेंगे। तो सूर्य देव जब अच्छे होंगे तब उस समय आपको फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो सूर्य देव आपके लिए कब अच्छे होंगे, जब 1, 2, 3 नंबर यानी धनु राशि के सूर्य होंगे। धनु राशि के सूर्य कब होते हैं, लगभग 15 दिसंबर से लेकर के और 15 जनवरी के बीच में औसतन धनु के सूर्य रहते हैं, तो उसमें आपको अभी लाभ होने वाला है, यानी लगभग 1 महीने बाद। और इसके बाद सूर्य मीन राशि के भी श्रेष्ठ होते हैं। मीन राशि के सूर्य कब रहेंगे, 15 मार्च से लेकर के और 15 अप्रैल के बीच में सूर्यदेव मीन राशि में रहेंगे। तो इस प्रकार से 2 अवधि ऐसी हैं जिन अवधि में आपको 2 महीने
सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी। एक तो धनु राशि में सूर्य रहेंगे तब, एक समय मीन राशि में सूर्य रहेंगे तब, इन दो महीने में सूर्य भगवान की कृपा बहुत विशेष प्राप्त होगी। तो हमने जो आपको अवधि बताई है, सबसे पहली अवधि कौन सी बताई है, औसतन 15 दिसंबर से लेकर के और 15 जनवरी, और दूसरी अवधि है मीन के 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में, और जो औसत समय बताया है, इस औसत समय में आपको आपको सबसे श्रेष्ठ रिजल्ट प्राप्त होंगे। इन दो महीनों में आप अपने मन के अनुसार गुरुदेव की कृपा से, सूर्यदेव की कृपा से कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, हमने आपको तुला राशि का जातकों के लिए आपकी कुंडली के अनुसार, आपके अष्टक वर्ग के अनुसार फल कहा है। अब यहाँ एक बार पुनः स्मरण कराते हैं कि यदि आपके अष्टक वर्ग में गुरु महाराज के लिए मकर राशि में एक अंक प्राप्त हुआ है, तो जितने प्रकार के भी हमने शुभ फल बताए हैं वो सभी शुभ फल प्राप्त होंगे, और जिनके लिए 0 अंक प्राप्त हुआ है उनके लिए शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार से आपको आपके कुंडली के हिसाब से ये फलादेश हो गया। चूंकि चतुर्थ भाव में गुरु भी हैं, तो जो भूमि भवन इत्यादि बनाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय उचित हो सकता है। हालांकि शनि महाराज बैठे हुए हैं तो स्थान की वृद्धि करेंगे, और गुरु महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ गुरु होते हैं तो कहते हैं स्थान की हानि करेंगे, लेकिन शनि महाराज यहाँ पर चूँकि स्वक्षेत्री हैं तो ऐसी स्थिति में आपका मकान बनाने की योजना है वो पूर्णतः सफल होगी। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, आपको पुनः एक बार दिवाली की शुभकामनाएं। नमस्कार, जय राम जी की।